हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ माय विंटर स्किन केयर रूटीन एंड विंटर में आप किस तरीके के स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड ऑफ द फैक्ट दैट कुछ ही महीनों में मेरी वेडिंग है। येस, आई एम गेटिंग मैरिड इन फ्यू मंथ्स। सो उसके लिए मेरा जो स्किन केयर रूटीन है वो काफ़ी सिंपल है, सॉर्टेड है एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है। मैंने सभी अमेजन से परचेज किया है बिकॉज अमेजन पे अभी चल रही है ग्रेट रिपब्लिक डे सेल। सेल स्टार्ट्स फ्रॉम 15th January और अगर आप प्राइम मेंबर है तो आपको अर्ली एक्सेस मिल जाएगी फ्रॉम 14th January ओनली। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेकअप रिमूवर से या फिर क्लेंजर से। फॉर मेकअप रिमूवर मैं इस्तेमाल करती हूँ ये मेरिट विको कोकोनट ऑयल और मैंने इसके बहुत सारे कंटेनर्स को ख़त्म किया है। एंड जब मैं इस बार इसे अमेजन से परचेज करने गई तो मैंने देखा कि इसकी जो पैकेजिंग है वो चेंज हुई है, अपग्रेड हुई है। एंड लुक एट द पैकेजिंग, दिस लुक्स सो कूल एंड सो क्लासी। कैप के कलर गोल्डन है एंड बहुत ही ज़्यादा क्लासी इसकी पैकेजिंग है एंड आई एम लविंग द पैकेजिंग। ये मेरिट, ये वही सेम ही कोकोनट ऑयल है, बस पैकेजिंग थोड़ी सी अपग्रेड हुई है, नथिंग एल्स, बिकॉज मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सभी को पता है कि मैं इसे अपने हेयर केयर में भी इस्तेमाल करती हूँ और मैं मेकअप को रिमूव करने के लिए इसे इस्तेमाल करती हूँ। स्पेशली जो वाटरप्रूफ मस्कारा होता है वो ईजिली इसे रिमूव हो जाता है और मैं कभी भी माइसेलर वाटर्स या फिर कोई मार्केट से खरीदे हुए मेकअप रिमूवर्स को अपने आई मेकअप रिमूव करने के लिए इस्तेमाल नहीं करती। मैं सिर्फ और सिर्फ इसी कोकोनट ऑयल को इस्तेमाल करती हूँ बिकॉज दिस इज 100% प्योर कोकोनट ऑयल। ये आप बता भी सकते हैं क्योंकि अभी विंटर सीजन है और ये पूरा जम चुका है। एज यू ऑल कैन सी, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोकोनट ऑयल। सो अगर आप इस इंटायर वीडियो से किसी एक प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो आई वुड से जस्ट गो फॉर दिस वन। और अगर आपकी हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रही है तो इसे थोड़ा सा वार्म करके भी आप अपने हेयर पर अप्लाई कर सकते हैं, स्कैल्प पर अप्लाई कर सकते हैं। ये हेयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, स्मूथ बनाता है और हेयर फॉल को भी रोकता है। अगर आप कोई कोकोनट ऑयल वगैरह नहीं इस्तेमाल करना चाहते, कोई माइसेलर वाटर इस्तेमाल करते हैं तो मेरे पास एक ऑप्शन है, ये है गार्नियर का माइसेलर वाटर। यू ऑल कैन सी आई हैव यूज दिस माइसेलर वाटर बट मैंने इसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मुझे ना ये कोकोनट ऑयल ही अच्छा लगता है इससे मेकअप रिमूव करना और इसका जो फ्रेग्रेंस है ना वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फेस वॉशेस। ये एक्चुअली मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे रेकमेंड किया है, ये मैंने अमेजन से परचेज किया है क्योंकि अमेजन पे मुझे ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिल गया था। ये है AHA ग्लो एस फेस वॉश। ये एक्चुअली मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे ये रेकमेंड किया है, बट सिंस मैं अपना स्किन केयर रूटीन, जो ऑनेस्ट वाला स्किन केयर रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं इस फेस वॉश को कभी कभार इस्तेमाल करती हूँ, दो दिन में एक बार, बिकॉज इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड दोनों ही है तो ये स्किन को बहुत ही ज़्यादा ड्राई बना देते हैं और ऊपर से ये तो विंटर सीजन है तो और भी ज़्यादा ड्राई हो जाता है। आई एम यूजिंग दिस फेस सिरम राइट नाउ एंड दिस इज एन अमेजिंग फेस सिरम। ये है जोविस हर्बल बायो रेटिनॉल फेस रिवाइटा एजिंग फेस सिरम। सो इसमें बायो रेटिनॉल है और जब भी कोई रेटिनॉल बेस्ड फेस सीरम आप इस्तेमाल करते हो तो उसके साथ आप कोई भी विटामिन सी बेस्ड प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये स्किन को इतना सॉफ्ट बना देता है और बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन और ग्लो प्रोवाइड करता है। ऊपर से इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी है और प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है। अगर आप कोई, आपकी ऑयली स्किन है, ओपन पोर की प्रॉब्लम है, कोई अच्छा सा टोनर अफोर्डेबल रेट में ढूंढ रहे हैं देन यू कैन गो फॉर दिस। ये बायोटिक का कुकुमा पोर टाइटनिंग टोनर है, दिस इज एन अमेजिंग फेस टोनर। ये ऑयली स्किन, एक्नी प्रोन, सेंसिटिव, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम के लिए एकदम परफेक्ट एक टोनर है, वेरी अफोर्डेबल, अमेजन पे और भी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल जाएगी। नाउ लेट्स कम टू मॉइस्चराइजर्स। अब मॉइस्चराइजर में जो मेरे डर्मैट ने मुझे रेकमेंड किया है वो भी मैं अमेजन से हर महीने परचेज करती हूँ, वो है ये बोटानिका 3D फेस सिरम। ये भी ड्राई स्किन के लिए परफेक्ट है, मेरी स्किन ड्राई है तो मेरी स्किन को ना ये सॉफ्ट रखता है। नेक्स्ट जो मॉइस्चराइजर मेरी फेवरेट हो चुकी है और ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने को ही है वो है ये बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर।
दिस इज़ परफेक्ट फॉर ऑयली एक्नी प्रोन इवन ड्राई स्किन फॉर दैट मैटर बिकॉज मेरी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है स्टिल इस हार्श विंटर सीजन में भी आई ऑलवेज अप्लाइड दिस फेस क्रीम क्योंकि ये तो मैं रात को इस्तेमाल करती हूँ एंड इस क्रीम को इस्तेमाल करने के बाद मैं मेकअप नहीं कर सकती तो इसीलिए जब भी मैं मेकअप करती हूँ या फिर बाहर जाती हूँ तो मैं इसी मॉइस्चराइज़र को इस्तेमाल करती हूँ एंड ये ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुकी है थोड़ा सा ये हाई एंड साइड में है थोड़ा सा कॉस्टली है बट एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन अमेजन पर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगी। बायोडर्मा के प्रोडक्ट्स एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं स्पेशली फॉर सेंसिटिव स्किन एक्नी प्रोन ऑयली अगर आपकी स्किन इन जनरल बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप बायोडर्मा के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम देयर मेकअप रिमूवर टू देयर मॉइस्चराइजर्स। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ स्किन केयर रूटीन विच इज सनस्क्रीन। सनस्क्रीन में आई हैव डिस्कवर्ड समथिंग न्यू विच इज दिस एक्वालॉजिका रेडियंस प्लस ड्यूई सनस्क्रीन। व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता हेविली मॉइस्चराइजिंग ऑयली स्किन ड्राई स्किन एवरी स्किन टाइप ऑफ पीपल के लिए परफेक्ट है। हाई प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है फ्रॉम सन रेज एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट इन द टाउन। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस सनस्क्रीन। विंटर सीजन का मेजर प्रॉब्लम है ड्राई चैप्ड लिप्स तो एक अच्छा सा लिप स्क्रब इस्तेमाल करना ज़रूरी है। मैं इस्तेमाल करती हूँ इक्का ये लिप स्क्रब। ये नया कंटेनर है मैंने इसे अमेजन से रिपर्चेज किया है क्योंकि पुराना वाला मेरा ख़त्म हो चुका था एंड आई थिंक दिस इज़ बीट रूट मे बी क्योंकि इसके अंदर बीट रूट का फ्रेग्रेंस आता है एंड कलर भी एकदम बीट रूट जैसा ही है। बहुत अच्छा लिप स्क्रब है लिप को प्लम्प बनाता है एंड द लिप मास्क दैट आई एम यूजिंग वो भी इक्का ही है। ये लिप मास्क ये लनीश का जो लिप मास्क है ना उसका ड्यूप है एक्चुअली एंड यू ऑल कैन सी आई हैव हिट द पैन। थोड़ा सा चिपचिपा है बट आई थिंक इट वर्क्स फाइन। ये आपके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है। आजकल मैं सिर्फ इसे इस्तेमाल करती हूँ। जनरली मैं पहले बोरोलिन इस्तेमाल करती थी वो भी अच्छा है बट उसमें ना लिप्स थोड़ा सा डार्क हो जाता है विच आई पर्सनली फील। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट विच इज़ दिस। इतने सारे शीट मास्क मैंने सारे शीट मास्क को परचेज किया है फ्रॉम अमेजन। मैं पहले ना सिंगल सिंगल शीट मास्क को परचेज करती थी बट अभी मैंने देखा कि अमेजन पे कॉम्बो डील अवेलेबल था फ्रॉम द फेस शॉप। द फेस शॉप इनिसफ्री ये दोनों ब्रांड्स आई स्वेयर बाय इनके जो फेस शीट मास्क होते हैं ना वो बेस्ट होते हैं। आपको 10 शीट मास्क मिलते हैं जस्ट 500 रुपीज में। कैन यू इमेजिन मतलब पर शीट मास्क जस्ट अंडर 50 रुपीज़। वहाँ पर एक पिक्चर था वहाँ पे जितने भी वेरिएंट्स थे जैसे राइस वाला दो पीसेस उसमें पिक्चर में था तो वही सेम मुझे रिसीव हुए हैं राइस वाला दो और फिर ये रेड जिंसन जो कि कोरियन हल्दी कहा जाता है तो ये रेड जिंसन वाला भी मुझे रिसीव हुआ है। सो एकदम जेन्युइन आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे एंड 10 के 10 पीसेस ही मुझे रिसीव हुए हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड स्टे हैप्पी बाय।